नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमें पहले संक्षारण कोरोजन के अर्थ को समझना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि कोई धातु अभिक्रियाशील है तो उसकी सतह पर वायु या वातावरण की आर्द्रता से धीरे धीरे हमला हो सकता है। धातु वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इसकी सतह पर एक यौगिक बनाता है। इस तरह के पदार्थ का निर्माण धातु को धूमिल करता है, अर्थात ये धातु की सतह की चमक धीरे धीरे खत्म कर देता है। आयरन जैसे कुछ धातुओं में ये यौगिक छिद्रपूर्ण होते हैं और धीरे धीरे सतह से गिर जाते हैं और फिर ये कारक सतह के नीचे के धातु पर भी हमला करते हैं। तो अब हम संक्षारण कोरोजन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? धातु की सतह पर वायु, आर्द्रता या किसी रसायन की क्रिया द्वारा होने वाली क्षति को संक्षारण कोरोजन कहा जाता है। आर्द्र वायु में रखे जाने पर अधिकांश धातु संक्षारित हो जाते हैं। आइए हम लोहे धातु के संक्षारण के बारे में चर्चा करें। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहा संक्षारित हो जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग रस्ट कहते हैं। लोहे के संक्षारण की इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। जंग नरम और झरझरा होता है और ये धीरे धीरे सतह से गिर जाता है और फिर नीचे का लोहा संक्षारित होने लगता है। लोहे में जंग लगने के दौरान लौह धातु जल वाष्प की उपस्थिति में वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड उत्पादित करता है। धातुओं का संक्षारण एक अत्यधिक अवांछनीय प्रक्रिया है। संक्षारण के कारण हर साल बड़ी मात्रा में धातु का नुकसान होता है। दोस्तों, अब हम लोहे को जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए एक क्रियाकल्प करेंगे। एक, तीन परख नलियां लीजिए एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। दो, इन परख नलियों को ए, बी तथा सी नाम दीजिए। परख नली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। तीन, परख नली बी में उबलता हुआ आसवित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। चार, परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि परख नली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परख नली बी एवं सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। परख नली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। परख नली बी की कील केवल जल के संपर्क में रहती है तथा परख नली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे
लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहना आवश्यक है। आइए अब हम देखें कि हम संक्षारण से सुरक्षा कैसे पा सकते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, गैल्वनाइजेशन, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम कोटिंग, एनोडीकरण, एनोडाइजेशन या मिश्र धातु एलॉय बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यशद लेपन, गैल्वनाइजेशन क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जस्ते जिंक की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित गैल्वनाइज्ड वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। आइए देखें मिश्रात्वन एलॉइंग क्या है। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन एलॉइंग है। इस विधि में हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगम ताप पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाता है तो ये कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदले जा सकते हैं। ये पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को मिश्र धातु एलॉय कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद मर्क्यूरी है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते कॉपर एंड जिंक की मिश्र धातु पीतल ब्रास तथा ताम्र एवं टिन की मिश्र धातु कांसा ब्रॉन्ज विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का अध्ययन किया।